सो गाइज वेलकम बैक टू सीपी क्लासेस। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज की क्लास में जो टॉपिक करवाने वाला हूँ ना वो अक्सर आपके एग्जाम में उन टॉपिक्स में से क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। आज हम कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, कंबाइंड मिलाकर एक क्वेश्चन बनता है, जैसे कि व्हाट इज द नेचर ऑफ एचआर मैनेजमेंट, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स। इस तरीके के टॉपिक्स आज हम की क्लास में हम लोग आज कवर करने वाले हैं। तो अटेंटिवली बड़े ध्यान से सारे के सारे टॉपिक समझने, ऑल तो बहुत आसान है, घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत इजीली तरीके से करवाऊंगा ताकि आप बैठे बैठे अभी आपको वो टॉपिक याद भी हो जाए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नेचर ऑफ एचआरएम क्या होता है। एचआरएम मतलब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का नेचर क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहली चीज, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो होती है ना वो परवेसिव होती है। परवेसिव मतलब इट इज प्रेजेंट एवरीवेयर इन द वर्ल्ड, यानी कि एक कंपनी में चाहे वो प्रॉफिट मेकिंग हो चाहे वो नॉन प्रॉफिट मेकिंग हो, किसी भी तरह के लेवल्स हो ऑर्गेनाइजेशन का, टॉप लेवल पर भी, लोअर लेवल पर भी, मिडिल लेवल पर भी, कौन काम करता है या लोग ही तो काम करते हैं। इसका मतलब है जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है इट इज प्रेजेंट एवरीवेयर इन द ऑर्गेनाइजेशन। दूसरी चीज एक्शन ओरिएंटेड। भाई ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या काम है? एम्प्लॉय से काम नहीं हो रहा है उनकी प्रॉब्लम सुन लेना, एम्प्लॉयज को मोटिवेट कर देना, उनको डायरेक्शन दे देना, उनकी ट्रेनिंग के लिए काम कर लेना, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ना एक्शन ओरिएंटेड होती है। पूरा की पूरा फोकस ह्यूमन रिसोर्स का कहां पर है? एचआर मैनेजर क्या करेगा? उसका पूरा की पूरा फोकस रहेगा कंपनी में ना किसी भी तरीके से ना एक्शन होता रहे ताकि इंप्लॉयज की प्रॉब्लम साथ साथ सॉल्व होती रहे और बढ़िया तरीके से कंपनी के गोल्स की तरफ ना भाई काम होता रहे। तीसरा जो फीचर आता है इसका वो होता है इंडिविजुअली एज वेल एज ग्रुप ओरिएंटेड। यानी कि अब आप एक चीज समझिए, जो इंप्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं धर्म खाता खोल तो नहीं रखा उन्होंने, यानी कि कोई भी क्या ऐसे काम करने आया है? क्या उनके कुछ गोल्स नहीं है? मैं बात कर रहा हूं इंडिविजुअल गोल्स की। अगर एक कंपनी में बंदा काम करने आया है किस लिए आया है? वो चाहता है उसको ना अच्छी खासी सैलरी मिले, वो चाहता है उसको इंसेंटिव्स मिले, यानी कि उसके कुछ अपने पर्सनल गोल है। बट साथ ही साथ जो ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर वो काम कर रहा है उसके भी तो कुछ गोल्स है ना। तो जो एचआर मैनेजर है ना वो इंडिविजुअली एज वेल एज ग्रुप, यानी कि इंडिविजुअल गोल्स भी अचीव करने पर फोकस करता है और ग्रुप गोल्स भी अचीव करने पर फोकस करता है ताकि अल्टीमेटली जो कंपनी के गोल्स हैं वो अचीव हो जाए। चौथा पॉइंट आता है हमारा फ्यूचर ओरिएंटेड। ऑब्वियसली प्लानिंग आप फ्यूचर के लिए करते हो ना, तो जो एचआर मैनेजर है वो फोकस कहां करेगा कि मेरी कंपनी का जो गोल है फ्यूचर में जो मुझे अचीव करना है, क्या मैं अपने फंक्शन के थ्रू, क्या मैं अपनी टीम के थ्रू उस गोल को हेल्प करवाने में अचीव कर सकता हूं। तो एचआरएम जो होता है इट इज ऑलवेज फ्यूचर ओरिएंटेड। एंड फिफ्थ पॉइंट बोलता है इट इज डेवलपमेंट ओरिएंटेड। डेवलपमेंट किसकी होगी तो किसकी डेवलपमेंट होगी? मेरी बात का मतलब है अगर एम्प्लॉयज डेवलप होंगे तो वो ऑटोमेटिकली ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप कर देंगे। इसलिए जो एचआर मैनेजर का फोकस रहता है ना वो रहता है कि फुल पोटेंशियल यूज हो एम्प्लॉयज का, उनको पूरी तरह से ट्रेनिंग दी जाए, उनके लिए डेवलपमेंट के प्रोग्राम करे जाए, उनकी स्किल को बहुत ज्यादा शार्प किया जाए, बहुत ज्यादा बढ़ाया जाए, क्योंकि एक अच्छा एम्प्लॉय, एक ट्रेंड एम्प्लॉय ही तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए एग्जिट का काम करेगा। उसके लिए एक एग्जाम्पल है यहां पर कि एम्प्लॉय को ना जगह जगह जॉब्स पे भेज सकते हो, मतलब इसको बोलते हैं जॉब रोटेशन। आज ये वाला काम है, कल ये वाला काम है, और जिस काम में वो अच्छा होगा उस काम पे उसको लगा दिया जाता है ताकि वो बेस्ट रिजल्ट प्रोड्यूस कर सके एक कंपनी के अंदर। उसके बाद बात करते हैं कंटिन्यूअस फंक्शन है। अब आप खुद सोचो यार, क्या एचआर का काम एक दिन का होता है? भाई एम्प्लॉयज की कंप्लेंट हो सकती है, एम्प्लॉयज का रिवॉर्ड सिस्टम, उनको सैलरी देना, एम्प्लॉयज का आना जाना ऑर्गेनाइजेशन में लगातार लगा रहता है, तो ये काम भी लगातार चलेगा। सातवां पॉइंट आता है एक्सिलरी सर्विसेज, यानी कि एचआर डिपार्टमेंट एग्जिस्ट टू असिस्ट एंड एडवाइस लाइन और ऑपरेटिंग मैनेजर्स टू डू देयर पर्सनल वर्क मोर इफेक्टिवली। सिंपल सी बात है, एचआर मैनेजर ना सारे स्टाफ को हेल्प करता है उनके किसी भी काम में, किसी भी काम को करवाने में उनकी मदद करेगा। बिकॉज जब तक एचआर मैनेजर हेल्प नहीं करता किसी ना किसी लेवल पर सभी लेवल्स के एम्प्लॉयज के लिए, तब तक जो एम्प्लॉयज है ना वो प्रॉपर तरीके से अपना काम नहीं करवा सकते हैं। जो काम से रिलेटेड जो भी चीजें होती हैं उसमें एचआर मैनेजर उनकी बहुत ज्यादा हेल्प करता है। कॉम्प्रिहेंसिव फंक्शन, यानी कि जितने भी लोग हैं एट ऑल द लेवल्स एचआर मैनेजर विल हेल्प देम। कॉम्प्रिहेंसिव मतलब सारी की सारी चीजें, ओवरऑल चीजें वो कवर करेगा एक कंपनी के अंदर। उसके बाद होता है इंटरडिसिप्लिनरी फंक्शन। अब एक चीज देखो, बहुत सारे फील्ड है, साइकोलॉजी है, इकोनॉमिक्स है, मैथमेटिक्स है, अकाउंट्स है, क्या ये सारे आपस में कनेक्टेड नहीं है? ये सारे आपस में कनेक्टेड हैं।
इसीलिए ना एचआरएम को बोला जाता है इट इज अ मल्टी डिसिप्लिनरी एक्टिविटी, जहां पर आप ये जितनी भी चीजें मैंने बोली, साइकोलॉजी ले लीजिए, सोशियोलॉजी ले लीजिए, इकोनॉमिक्स ले लीजिए, मैनेजर्स ना इन सारी चीजों को समझता है और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंप्लीमेंट करने की कोशिश करता है। मतलब वहां से जो जो चीजें अच्छी हैं, जो जो चीजें मेरी ऑर्गेनाइजेशन में काम आ सकती हैं, मैं वो सारी की सारी चीजें अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इंप्लीमेंट कर लेता हूं। ठीक है, अब बात करते हैं व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। देखो बहुत ही आसान ऑब्जेक्टिव है, एचआर डिपार्टमेंट मैंने अपनी कंपनी में बनाया, क्यों बनाया? सिंपल सा पॉइंट है, कंपनी के गोल अचीव करने के लिए। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट मेरी कंपनी के गोल अचीव करने में सबसे पहले मुझे मदद करेगा। दूसरी चीज, स्किल एंड एबिलिटीज ऑफ वर्कफोर्स एफिशिएंटली, मतलब वो क्या करता है, जितने भी इंप्लॉयज हैं उनकी स्किल को इतना एनहांस कर देता है, इतना शार्प कर देता है एचआर डिपार्टमेंट, ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक एसेट की काम तरह काम करे। एक ट्रेंड इंप्लॉय जो होगा वो कस्टमर को अच्छे से हैंडल कर सकता है। आपको पता है जो लोग पब्लिक डीलिंग करते हैं, मतलब कि जो लोग कस्टमर्स की कंप्लेंट हैंडल करते हैं, उनको ना स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है पेशेंस की, क्योंकि भाई कस्टमर तो देखो गुस्सा भी हो सकता है, बट आप एज अ कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव आपको हक नहीं है कि आप गुस्सा हो सके। तो उन लोगों के अंदर सॉफ्ट स्किल की ट्रेनिंग उनको दी जाती है, ताकि वो बहुत अच्छे तरीके से अपने एम्प्लॉयज को हैंडल करें और एक कस्टमर को हैंडल करें, और जब एक कस्टमर अच्छा होगा तो ऑटोमेटिकली वो ऑर्गेनाइजेशन को भी हेल्प करेगा ग्रो करने में, क्योंकि अच्छा कस्टमर ज्यादा बिजनेस आपकी कंपनी को देकर जाएगा। उसके बाद बात करें अगर हम थर्ड पॉइंट की, टू प्रोवाइड ऑर्गेनाइजेशन विद वेल ट्रेन्ड एंड वेल मोटिवेटेड एम्प्लॉयज। एचआर मैनेजर को ये बात अच्छे से पता है, अगर एम्प्लॉय खुश है तो वो अच्छे से काम करेगा तो कंपनी को बेनिफिट होगा। इसीलिए एचआर मैनेजर ना हमेशा एम्प्लॉयज को मोटिवेटेड रखने की कोशिश करता है। वो मोटिवेटेड रहेंगे तो वो बढ़िया तरीके से काम करेंगे और रिजल्ट उनका एक क्लास होगा, यानी कि वो बढ़िया रिजल्ट भी प्रोड्यूस करके देंगे। उसके बाद आता है हमारा फोर्थ पॉइंट, जहां लिखा हुआ है टू इंक्रीज टू द फुलेस्ट एम्प्लॉयज जॉब सेटिस्फेक्शन एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। एक बात बताओ, जहां पर माहौल अच्छा होगा वहां काम करने का मन करेगा नहीं करेगा? ऑब्वियसली करेगा। जिस कंपनी में मुझे ये लगने लगे यार मेरे गोल या जो मैं चाहता हूं जीवन में बनना वो इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पूरा नहीं हो सकता, तो क्या मैं वहां टिककर, क्या मैं वहां मन लगाकर काम करूंगा? नहीं करूंगा। तो जो एचआर मैनेजर है ना, वो लोगों को हेल्प करता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन गोल अचीव करने में, यानी कि वो जो जिंदगी में बनना चाहते हैं, अगर आपने एम्प्लॉय को मदद कर दी उनको वो बनने में, तो डेफिनेटली वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए अपनी जी जान लगा सकते हैं। उसके बाद हमारा जो पांचवा पॉइंट है वो आता है कम्युनिकेट एचआर पॉलिसीज टू एम्प्लॉयज। जो भी हमारी कंपनी की पॉलिसीज हैं वो कौन बताएगा एम्प्लॉयज को? वो बताएगा एचआर मैनेजर। अपने एम्प्लॉयज को कम्युनिकेट करेगा, उनको समझाएगा ये पॉलिसीज क्यों फायदेमंद है उनके लिए। सपोज हमारी कंपनी की पॉलिसी है भाई हमारे यहाँ ना कोई भी 9 बजे के बाद ऑफिस नहीं पहुंचेगा, दैट्स आर कंपनी पॉलिसी। तो बताना जरूरी है कि टाइम अगर फॉलो करेंगे सभी लोग तो डिसिप्लिन मेंटेन रहेगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। इस तरीके से आप अपने एम्प्लॉयज को एचआर पॉलिसीज के बारे में इन्फॉर्म करते हैं। देन उसके बाद क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ उनको देना, आपका वर्किंग एनवायरनमेंट, वहां पर लोग किस तरीके से एक दूसरे से बात करते हैं, क्या वहां पर एक दूसरे से गाली गलौज के थ्रू बात करी जाती है। अब आप खुद सोचो जहां पर बॉस बदतमीज से बात करता हो अपने स्टाफ से, क्या वहां स्टाफ रुकने वाला है? नहीं रुकने वाला है। तो एचआर डिपार्टमेंट जो होता है ना वो अपने स्टाफ की प्रॉब्लम को सुनता है, एक बहुत बढ़िया माहौल क्रिएट करके देता है जहां पर एम्प्लॉयज टिकते हैं, रुकते हैं कंपनी के अंदर, और वो अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं बेस्ट, जिससे कंपनी के गोल्स अचीव होने में हेल्प मिलती है। उसके बाद हमारा जो सातवां पॉइंट है वो आता है टू बी एथिकली एंड सोशली रिस्पॉन्सिव टू द नीड्स ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी की नीड पूरी करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए एथिकल तरीके से काम करना जरूरी है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और इसमें एचआर मैनेजर हमारी पूरी तरीके से मदद करता है। ठीक है, तो